जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 22 अक्टूबर 2012 नवरात्रों का आखिरी नवरात्रा, आज दुर्गा अष्टमी की कढ़ाइयाँ मानी जाती हैं, जो कंजक देवियों का साक्षात दिन माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। कंजक देवियों को आप पाठ पूजन करके भोग लगवाएं, उन्हें बिठा करके खिलाएं और उन्हें जो भी चीज़ पसंद हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, उन्हें ज्योमेट्री बॉक्स, रबड़, पेंसिल, कॉपी, उन्हें चूड़ियाँ पहनने के लिए, जो भी आप यथाशक्ति अनुसार या जितनी आपकी समर्था हो, जितना आप अफोर्ड कर सकें, उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह साथ में अवश्य दें। और घर का जो मेल मेंबर हो, जो सबसे बड़ा मेंबर हो, वो घर में जितनी भी कंजक देवियां आएं, उनको चरण वंदना करके, उनके चरण धो करके उन्हें प्रणाम अवश्य करें, ताकि घर की सुख समृद्धि और बरकत में सदैव उनका आशीष आपको फलता हुआ नजर आए। क्योंकि कंजक देवियों के दिन में आज दुर्गा अष्टमी की कढ़ाइयों के मुहूर्त को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छा मुहूर्त माना जाता है। ये साक्षात देवी माँ का दिन होता है। इस दिन कंजक पूजन करना घर की दरिद्रता को दूर करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। घर में कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें भी कोशिश करके कंजक देवियों के चरण वंदना करके आप उनके पांव धोएं और घर का मेल मेंबर तो जरूर अवश्य, जो घर का हेड ऑफ द फैमिली है, वो खुद अपने हाथों से ये चीज करें, तो उन्हें घर में बरकत आने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और आपका कंजक देवी का पूजन किया हुआ ये आपको नॉर्मल से ज्यादा अच्छा फलकारी सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, कंजक देवियों का दिन है आज, उन्हें पूजन करें, नमन करें, उनसे आशीष लें और उन्हें जो अपनी यथाशक्ति अनुसार छोटा मोटा आप गिफ्ट दे सकें वो अवश्य दें, ज़्यादा ना खर्च करना चाहें तो पेंसिल, रबर, कॉपी, शार्पनर, जो आप अफोर्ड कर सकें वो अवश्य उन्हें साथ में लेकर के दें और उनसे आशीष लें, ताकि आने वाले जीवन यापन में उनका आशीष आपको सदैव मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, वापस आते हैं हम अपने उसी पुराने टॉपिक पे, जो कि चर्चा हमारी चल रही है चंद्रमा और मंगल देव के महालक्ष्मी योग को लेकर के। कल तक मैंने जानकारी दी थी धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा और मंगल का योग, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं मकर लगन की कुंडली, मकर यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। प्रिय दर्शकों, मकर लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है, इसके मालिक स्वयं बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव ने मंगल देवता को क्या दिया? शनिदेव ने मंगल देवता को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव आपका सुख सुविधाओं का, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, लग्जरीज और आपकी नेटिव लैंड का, आपकी मातृभूमि का बनाया मंगल देवता को। और मंगल देवता को लाभ का डिपार्टमेंट दिया, मंगल देवता को बड़े भाई बहन का डिपार्टमेंट दिया, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा पूर्ति का घर दिया और मंगल देवता को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट भी दिया। तो मंगल देवता दो अच्छे घरों के मालिक हैं प्रिय दर्शकों, चतुर्थेश हैं और एकादशेश हैं। तो इस लग्न कुंडली में समग्रह माने जाते हैं, यानी एक एवरेज प्लैनेट माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता, शनिदेव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? सातवें घर का मालिक बनाया चंद्रमा देवता को। सातवां घर दाम्पत्य सुख का, सातवां घर डेली वेजेस का, सातवां घर आपका पति पत्नी का सुख भी माना जाता है, पार्टनरशिप का भी माना जाता है। सातवां घर क्योंकि दशम से दशम होता है, इसलिए ये डेली वेजेस का भी घर मानते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक सातवां घर का मालिक अगर लग्नेश का एंटी पार्टी या अति शत्रु हो जाए तो वो अति मारक ग्रह बन जाता है। और मकर लगन की यानी कैप्रिकॉन लगन की कुंडली में मंगल देवता एक समग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा देवता सप्तमेश होते हुए अति मारक ग्रह बन जाते हैं। अब प्रिय दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में अति मारक बन गया है,
अपनी दशा अंतर दशा में सदैव आपको वो कष्ट देता ही मिलेगा। वो किसी ग्रह के साथ युति बना करके बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग कैसे बना सकता है? उल्टा चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में अगर मंगल के साथ बैठा होगा तो मंगल देवता की अच्छाई के तत्व को भी खत्म करेगा, क्योंकि चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है, जो कि आपके शरीर शनिदेव का ही अति शत्रु है। आपका शरीर साक्षात शनिदेव है और चंद्रमा देवता साक्षात उजाला माना जाता है। आपका शरीर अंधेरे का बना और चंद्रमा देवता उजाला बना, इसलिए वो अति शत्रु माना जाता है। इस कुंडली में चंद्रमा देवता अति मारक ग्रह है। दर्शकों, मंगल देवता का रतन मुंगा इस लग्न कुंडली में किसी विद्वान की मदद के साथ आप पहन सकते हैं। अगर आपको घर बार बनवाना हो, नेटिव लैंड प्रॉपर्टी में दिक्कत परेशानियां आ रही हो, तो मंगल देवता का रतन इस लग्न कुंडली में धारण किया जा सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात याद और स्मरण रखने वाली बात, कभी किसी कीमत पर मकर लग्न की कुंडली में किसी भी जातक को सुच्चा मोती धारण नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो अति मारक ग्रह है। चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह है, इसी की वजह से इस लग्न कुंडली में महालक्ष्मी योग नहीं बनता है, क्योंकि चंद्रमा की दशा अंतरदशा सदैव मारकित्व में होने की वजह से जातक की परेशानियों को कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हुआ तो गाड़ी भूमि वाहन मकान आपको लेने में सदैव दिक्कत परेशानियां होंगी, क्योंकि मंगल एक एवरेज प्लैनेट है। चंद्रमा देवता अगर कमज़ोर हुआ तो पार्टनरशिप डेली वेजेस में आप डिले हो सकते हैं, आपका दाम्पत्य सुख भी दिक्कत परेशानी में हो सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव स्मरण रखनी होगी कि चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती गलती से भी इस जातक को धारण नहीं करवाया जाना चाहिए, वो सदैव जातक का जीवन यापन मृत्यु तुल्य कष्टों से भर देगा। तो इस लग्न कुंडली के जातक के लिए भी प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा देवता अति मारक ग्रह होता है, मंगल देवता सम ग्रह होता है, लेकिन चंद्रमा के मारकित्व में होने की वजह से इस लग्न कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग कदापि नहीं बनता। वो अगर कोई आपको जातक डिफाइन कर दे तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक्स पढ़ने बहुत ज़्यादा बाकी हैं उसके। तो प्रिय दर्शकों, इस लग्न कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर हुआ तो आपके लाभ में और आपका मकान बनने में आपको दिक्कत परेशानियां सदैव आती मिलेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर इस लग्न कुंडली में चंद्रमा वीक हुआ तो आपके डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपकी पार्टनरशिप को भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो अगर आपको पहली दूसरी बार ना समझ में आए तो किसी विद्वान की मदद ले लें और ये जान लें कि चंद्रमा आपका किस स्थिति में पड़ा है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या उसका आपको दान पुण्य करना बनता है, या उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना बनता है, या अपने माता से रोज़ आशीर्वाद लेने से भी आपके चंद्रमा में स्टेबिलिटी आती है और उस घर के रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में चंद्रमा बाध्य अवश्य करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग हर लग्न कुंडली में हर जातक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको कुछ दिनों से देता चला आ रहा हूं। कृपया इसे नोट करते चले जाइए। मेरी कोशिश रही रहेगी कि जब मीन लगन की कुंडली में आपको पढ़ाऊं उसके बाद सवाल पूछूं, और अपनी प्रतियोगिता को ऐसे ही कायम रखता हुआ किसी न किसी जातक में आप में से ही जो उसका सही जवाब देगा उसे इस मंच पर लाकर आपसे रूबरू करवाऊं, और आपसे रूबरू करवाकर हम उससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कितना सीखा, कितना समझा और वो और क्या जानने के इच्छुक हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस लग्न कुंडली में स्मरण रखिएगा, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी योग कभी किसी कीमत पर नहीं बनता है, क्योंकि चंद्रमा इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा का रतन हर मकर लग्न के जातक को सदैव पहनना वर्जित माना जाता है। किसी कीमत पर यह रतन किसी भी जातक को धारण करना नहीं बनता है।
तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, योग दो ग्रहों की एक भाव में प्लेसमेंट होने से बनते हैं, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको और डिटेल में कई दिनों से देता चला आ रहा हूँ कि योग सिर्फ दो ग्रहों के एक भाव में प्लेसमेंट होने से नहीं बनते। पहली बात कि वो अच्छे घर में प्लेस्ड होना चाहिए, किसी के केंद्र या त्रिकोण में अच्छे भाव में प्लेस्ड होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर बात जो आपको सदैव हर ग्रह का विवेचन करते समय अपने ध्यान में रखनी होगी कि ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल कितना है, क्योंकि हर ग्रह कुंडली में उतना ही फल देने वाला है जितना आपका डिग्री वाइज बलाबल उसमें लिखा गया होगा। जैसे मान लीजिए आजकल शनिदेव उच्च के हुए हैं गोचर के, तो आपको उच्च का फल उतना ही मिलेगा जितने अंश के आपकी जन्म कुंडली में पड़े होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में वो 2 डिग्री के पड़े हैं तो ताउम्र आपको 2 डिग्री के ही फल देने वाले हैं। गोचर में चाहे वो रोज डिग्री बदलते हों, लेकिन आपको फल उतना बन जाता है जितना आपकी नेटल चार्ट में वो देने में बाध्य होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनता, क्योंकि चंद्रमा इस लग्न कुंडली में एक मारक ग्रह माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए, क्योंकि टिप्स बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, कईयों को प्रोग्राम नहीं भी समझ में आता, लेकिन वो टिप के लालच में ये प्रोग्राम देखते हैं। जब आके मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, आप कुछ सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर प्रोग्राम कंटिन्यू कुछ महीने देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, आपके घर में जितने भी आपके पूर्वज हों, जो स्वर्ग सिधार चुके हों, जो इस मृत्यु लोक को त्याग करके स्वर्ग लोक जा चुके हों, उन सब की फोटो या पिक्चर आप हमेशा साउथ दिशा में लगाएं। लेकिन प्रिय दर्शकों, कभी किसी जिंदा आदमी की या जिंदा शख्स की तस्वीर साउथ में मत लगाइएगा। वो साउथ में लगाने से उसका जीवन यापन कष्टों से भर जाता है। सदैव उन व्यक्तियों की लगाइएगा फोटो जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा। Thank you.